में दूध में ये मिला के लगा लो और सुबह तक पाओ गोरी निखरी शीशे जैसी चमकती त्वचा। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन से काले दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को, झुर्रियों को, फाइन लाइंस को दूर कर स्किन को बनाने वाला है बहुत ही ज़्यादा चमकदार और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग। बस आपको दूध में थोड़ी सी चीज़ें मिला के लगानी है। तो देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है और कैसे लगाना है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कच्चा दूध, वो दूध जिसे हम उबालते नहीं हैं। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारी स्किन से फाइन लाइंस, रिंकल्स को दूर कर स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है। तो यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया है, वो भी फ्रिज में रखा हुआ ठंडा। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, पर उसे फ्रिज में रख के थोड़ी देर ठंडा कर लें। दोस्तों कच्चा दूध हमारे स्किन की डीपली क्लीनिंग करता है, हमारे स्किन से फाइन लाइंस, रिंकल्स को दूर कर स्किन को बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट बनाता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट भी करता है। तो यहाँ मैंने लिया है एक चम्मच ही कच्चा दूध। अगला हम इसमें डालेंगे हनी यानी कि शहद, जो कि एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट होने के साथ साथ हमारी स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स को दूर करता है। ये हमारी स्किन पे मॉइस्चर को लॉक कर देता है जिससे कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट रहती है, प्लम्पी रहती है और हमारी स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस, झुर्रियाँ नहीं आती। तो यहाँ एक चम्मच डाला दूध और एक चम्मच ही हम डालेंगे शहद। दोनों की क्वांटिटी हमको इक्वल ही लेनी है, दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर दें। अब इसमें जाएगा एलोवेरा जेल, जो कि एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होने के साथ साथ एक नेचुरल एंटी एजिंग का काम करता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियों को दूर कर स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है बिना किसी चिपचिपाहट के। गर्मियों में बेहतरीन मॉइस्चराइजर का काम करता है। हमको इसमें ज़्यादा नहीं डालना, इसमें हमको 1/3 यानी कि 1/3 हमको डालना है एलोवेरा जेल, लगभग 1 पम्प। आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। आप चम्मच के जो बैक साइड होता है ना, वहाँ से अच्छे से मिक्स करें, इससे जल्दी से मिक्स हो जाता है, वो भी अच्छे से। अब जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही पावरफुल एंटी एजिंग का काम करता है। ये रिंकल्स, फाइन लाइंस को दूर कर स्किन को बहुत ज़्यादा स्पॉटलेस बनाता है, क्रिस्टल क्लियर बनाता है। और आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप से ये आपको विटामिन ई के कैप्सूल मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं दोस्तों 1 कैप्सूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। ये एक पावरफुल एक क्लेंजिंग मिल्क है जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, आपकी स्किन को ब्लीच करेगा, आपकी स्किन को नरिश भी करेगा। तो ये देखिए हमारा ये तैयार है सॉल्यूशन, और आप इसे 2 से 3 दिन बना के फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब आपको ये सुबह भी लगा सकते हैं। अब रात को सोने से पहले मैं इसे लगा रही हूँ। मैंने अपने फेस को कर लिया है अच्छे से वॉश और अपने चेहरे पे मैं इसे एक पतली सी लेयर लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटरी है। आप चाहें तो हैंड से लगा सकते हैं या आपके पास कोई भी ब्रश हो उससे भी आप इसे अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। तो देखिए इसे पतला पतला मोटी मैं अपने पूरे चेहरे पे लगाऊंगी, आप चाहें तो अपने हैंड्स पे, अपनी नेक पे भी इसे लगा सकते हैं। दोस्तों ये एक पावरफुल क्लेंजिंग मिल्क है जो कि हमारी स्किन पे, हमारी स्किन को क्लीन करता है क्योंकि हमने इसमें डाला है कच्चा दूध जो कि लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है। इसमें डाला था शहद जो कि हमारी स्किन से फाइन लाइंस, रिंकल्स को दूर कर स्किन को टाइट एंड ब्राइट भी करता है। अब इसमें डाला था विटामिन ई का कैप्सूल जो कि हमारी स्किन से फाइन लाइंस, रिंकल्स को दूर करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट भी करता है। देखिए हमें इसे पतली पतली लेयर लगानी है इसकी। और हाँ, इसे आप कोई भी एज ग्रुप के हैं इसे आराम से रात को सोने से पहले लगाएं। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है और इसे कम से कम मैं 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही अपने चेहरे पे छोड़ दूंगी ताकि जितना भी ये सॉल्यूशन है मेरी स्किन अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। दोस्तों इसे सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 20 से 25 या आधा घंटा भी लग सकता है। तो देखिए अच्छे से सूख गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने चेहरे को वॉश करने। वाओ, यू कैन सी इंस्टेंट ग्लो ऑन माई फेस। तो रोज़ इसे आप रात को 20 से 25 मिनट लगाएं और आपकी स्किन होगी वाइट, ब्राइट एंड टाइट। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, और साथ ही साथ पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अब इसके बाद आप कोई भी अपना मॉइस्चराइजर या क्रीम लगा सकते हैं, उसके बाद आप सो जाइए। रोज़ आपको ये ट्रीटमेंट करनी है रात को सोने से पहले। सी यू इन द